जय हिंद दोस्तों, एक्सप्लोर अनटच की एक नई अनटच सीरीज में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस जगह आए हैं इसका नाम है रोमन कैथोलिक सिमेट्री, जो उत्तर भारत का सबसे पुराना कब्रिस्तान है, जिसमें यूरोप, रोमन कैथोलिक शख्सियत एवं कई महान योद्धाओं की खूबसूरत कब्रें मौजूद हैं, जिनमें से एक है कर्नल जॉन विलियम हेजिंग का लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ मकबरा, जिसे हम रेड ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में सफ़ेद ताजमहल का निर्माण कराया, वैसे ही हेजिंग की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी एन हेजिंग ने अपनी पति के याद में ताजमहल की ये रेप्लिका रेड ताजमहल का निर्माण करवाया। अंतर है तो बस इतना कि शाहजहां का ताजमहल सरकारी खजाने से बना है और रेड ताजमहल हेजिंग की पत्नी ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगाकर बनवाया। आइए जानते हैं कौन है विलियम जॉन हेजिंग। 5 नवंबर 1739 यूट्रेक्ट नीदरलैंड में इनका जन्म हुआ। 13 वर्ष की आयु का यह एक डच नागरिक अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराने के लिए निकल पड़ा। बात उन दिनों की है जब सारी दुनिया की नज़र भारतीय उपमहाद्वीप पर थी। दूर देश से लोग यहाँ व्यापार एवं नौकरियों के सिलसिलों में भारत एवं पड़ोसी देशों में आना चाहते थे। हेजिंग ने भी 13 वर्ष की छोटी सी आयु में BOC यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया। 1752 में वह साइलोन यानी आज का श्रीलंका आ पहुँचा। उम्र कच्ची थी, अनुभव में कमी थी। एक युद्ध के दौरान वह भयावह होकर 5 साल बाद 1757 के अंत में वह पुनः नीदरलैंड वापस लौट गया। लेकिन हेजिंग रुकने वाले न थे। ठीक 6 साल बाद 1763 में वह फिर से भारत आए और इस बार उन्होंने हैदराबाद के निजाम के यहाँ बतौर सैनिक के रूप में अपना कैरियर प्रारंभ किया। उन दिनों यूरोपीय मशनरीज यानी यूरोपीय सैनिकों का भारतीय राजाओं के यहाँ नौकरी करना एक आम बात थी, क्योंकि भारतीय राजा धनवान और यूरोपियों को मिलने वाली सैलरी उनकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा हुआ करती थी। उदाहरण के लिए जनरल जॉन बैप्टिस्ट वेंचर एक इटालियन कमांडर थे, जिन्होंने राजा रणजीत सिंह के यहाँ 19वीं सदी की शुरुआत तक कार्य किया, जिनकी मासिक तनख्वाह 2500 रुपये थी, जो सामान्य इंडियन सोल्जर्स की तुलना में 500 गुनी थी। जब वह रिटायर होकर वापस इटली गए तब वह इटली के रईस लोगों में गिने जाते थे और 1858 में उनकी मृत्यु तक उन्होंने एक अमीरों की ज़िंदगी जी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय राजाओं के पास कितना अकूत धन संपदा थी और वे कितने संपन्न थे। स्वर्णिम भविष्य को देखते हुए निजाम की नौकरी छोड़ 1784 में हेजिंग ने मराठा एम्परर माधवराव सिंधिया को ज्वाइन किया। हेजिंग बहुत ही सदे हुए इंटेलिजेंट एवं युद्ध कला कौशल में निपुण थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही जल्दी उन्होंने माधवराव का दिल जीत लिया। हेजिंग ने कई बड़े बड़े युद्ध लड़े जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। 1787 में भोंदा गांव आगरा में हुए युद्ध, जो मराठों एवं नवाब इस्माइल बेग के बीच हुआ, जिसमें उन्होंने कैप्टन की भूमिका निभाई और नवाब इस्माइल बेग को परास्त किया। इसके बाद 1792 में माधोजी हेजिंग को पुणे अभियान पर भी ले गए, जहाँ उनका प्रदर्शन और भी प्रभावी रहा। परंतु 1792 में माधोजी की मृत्यु के बाद हेजिंग पुनः वापस आगरा आ गए। इसके बाद माधोजी के उत्तराधिकारी दौलत राव सिंधिया जी ने नेतृत्व की कमान संभाली। उस समय आगरा में मराठों का अच्छा खासा प्रभुत्व था। 12 मार्च 1795 को करतला के युद्ध में भी हेजिंग ने मराठों की तरफ से 3000 सैनिकों की टुकड़ी का नेतृत्व किया, जिसमें हैदराबाद के निजाम को धूल चटा दी और विजय प्राप्त की। 1799 में हेजिंग को बतौर कर्नल की पोस्ट से नवाजा गया और आगरा के रेड फोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया। 1801 में हेजिंग ने मराठों की तरफ से मराठा एंग्लो वॉर सेकेंड में भी ब्रिटेन की सेना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। इसी साल जून 1801 में इंदौर के मराठा शासक यशवंतराव होलकर के साथ अंग्रेजों का जो मराठा एंग्लो वॉर हुआ, उसमें हेजिंग ने 4 बटालियन का कमान संभाला। युद्ध में मराठा सेना की विजय प्राप्त हुई, लेकिन हेजिंग इस युद्ध में काफ़ी बुरी तरह से घायल हो गए और वह इससे उभर नहीं पाए। 1803 में
उनकी यहीं आगरा में मृत्यु हो गई और दुर्भाग्यवश इसी साल अंग्रेजों ने लाल किले पर अटैक कर दिया और लाल किले को अपने कब्जे में ले लिया। लाल पत्थर से बनी ये इमारत मुगल आर्किटेक्चर से प्रेरित मालूम होती है। यह मकबरा 11.5 फुट ऊंचे और 18 फुट चौड़े प्लेटफॉर्म पर बना है। चारों ओर 8 फीट चौड़ा चबूतरा है। पश्चिम की ओर दोहरी सीढ़ियां हैं। जब आप सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे है हैजिंग की कब्र का ओरिजिनल गेट। ठीक इसके सामने हैजिंग की ओरिजिनल कब्र मौजूद है। जॉन विलियम हैजिंग का यह मकबरा उन सभी वीर सूरमा ऑफिसर्स को ट्रिब्यूट है जो अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए वीरगति को प्राप्त किए। साहस, वीरता, दृढ़ता और कर्तव्यपरायणता एवं अपने पद की गरिमा का निर्वाह करना एक सच्चे ईमानदार सैनिक के गुण हैं और हैजिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हैजिंग भले ही अपनी मिट्टी से दूर देश भारत में मराठा एम्पायर के लिए कार्य कर रहे थे लेकिन उनके कर्तव्यपरायणता का जवाब नहीं। उन्होंने जीते जी तो कीर्तिमान स्थापित किया ही, मरने के बाद भी वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए। शूरवीरता, कर्तव्य निर्वाह, ईमानदारी एवं दक्षता के बारे में जब कभी चर्चा की जाएगी तो हैजिंग का नाम हमेशा याद किया जाएगा। इस प्रमाइसिस में एक चर्च भी बना हुआ है जिसमें यहाँ से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण शख्सियतों की कब्रें जमीन पर मौजूद हैं। ये रहे उनकी पूरी लिस्ट जिनके नाम दिए गए हैं। अमूमन चर्च के अंदर ग्रेवयार्ड्स देखने को नहीं मिलती हैं बट यहाँ पर मैंने पहली बार चर्च के अंदर इन कब्रों को देखा है जो फ्लोर पे बनाई गई हैं और उनका डेट और टाइम दिया गया है। यह है चर्च का स्ट्रक्चर और काफ़ी डिटेलिंग में यहाँ पर चीज़ों में कब्रों को दिखाया गया है। जहाँ तक मैंने मैन्युअली देख पाया कुल यहाँ पर 10 कब्रों को फ्लोर पर दर्शाया गया है और ठीक बाई तरफ आज तक रह चुके पादरियों के नाम दीवार पर उकेरे गए हैं। उनका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको भी मेंशन किया गया है। ये जो आप कब्र देख रहे हैं ये यहाँ की सबसे पुरानी कब्र है। इनका नाम था जॉन मेंडल हॉल। ये एक ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने 2 बार इंडिया को विजिट किया। ये फर्स्ट टाइम बाबर के टाइम पर आए थे और दूसरी बार ये जहांगीर के समय पर भारत आए थे। यहाँ ठीक सामने महाराजा सिंधिया के परिवार से 4 बच्चों की कब्र को दर्शाया गया है। दोस्तों अब आप जो सामने कब्र देख रहे हैं इस कब्र को हम एक्चुअल में आइडेंटिफाई नहीं कर पाए क्योंकि इस पर जिस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है, जिस इनके बारे में कब्र के ऊपर जो लिखा है वो इंग्लिश लैंग्वेज ना होकर वो किसी और लैंग्वेज में लिखा गया है। लेकिन मैंने जब रिसर्च की तो मैंने ये पाया कि इस कब्र को लोगों ने विलियम रॉबर्ट सोमरे की कब्र बताया है जो सरदाना के जागीरदार थे और बेगम सुमरों के पति थे। मे बी हो भी सकता है बट अभी भी मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे एक्चुअल जो ग्रेवयार्ड है आइडेंटिफाई होगी तो मैं इस पर एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको विलियम रॉबर्ट सोमरे के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा और साथ ही बेगम सुमरों के बारे में भी इसमें मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। जब हम ग्रेव के बाहर आए तो फ्लोर पर हमें कुछ डिज़ाइन देखने को मिली जिसमें एक क्रॉस था और साथ में और भी कुछ डिज़ाइंस थी। मानो किसी आर्किटेक्ट ने किसी डिज़ाइन को फ्लोर पर बनाया हो और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। हो सकता है आपको कैमरे में इतना साफ ना दिख रहा हो बट आप कभी भी इस प्लेस को विजिट करते हैं तो आप इस डिज़ाइन को फ्लोर पर क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर कई मिलिट्री ऑफिसर्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स की कब्रें मौजूद हैं जो 17वीं-18वीं शताब्दी में भारत आए और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में भी काफ़ी योगदान दिया और अंत में यहीं के होके रह गए। यहाँ आज भी नवंबर और दिसंबर के महीने में लोग दूर देश से अपने करीबियों की कब्रों पर फूल चढ़ाने आते हैं। ये जो आप कब्र देख रहे हैं ये कब्र है फ्रांसिस एलिस की जो लोकल आगरा से बिलोंग करती है और आज भी इनकी फैमिलीज के मेम्बर आगरा में रह रहे हैं
और ठीक बाहर चबूतरे पर भी इनके सारी फैमिली की जो ग्रेव्स हैं उनको बनाया गया है। ऐसा बताते हैं ये एक तरफ बॉडी और एक तरफ सोल को दफनाते थे, इसलिए यहाँ पर दो ग्रेव्स बनी हुई हैं। और बाहर की तरफ आपको एलिस फैमिली के अदर मेंबर की ग्रेव्स मिलेंगी। जैसा कि मैंने बताया, ये नॉर्थ इंडिया का सबसे पुराना सेमेट्री है, पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी कब्रें मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये प्लेस आपके लिए परफेक्ट है। मस्ट विजिट दिस प्लेस। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे लोगों की कब्र देखने को मिलेगी जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री में लार्ज स्केल पे कंट्रीब्यूशन किया है। यहाँ मेरी मुलाकात मेरी तरह हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखने वाले एयरफोर्स में पायलट विंग कमांडर मिस्टर सौमित्र मिश्रा से हुई। हमने काफ़ी देर बैठ के इस जगह से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से विंग कमांडर सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच सर फॉर प्रोवाइडिंग मी अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रेड ताजमहल। तो दोस्तों, लाल ताजमहल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी आज मैंने आपको दी, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट एक्साइटमेंट वाली जगह के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।